15 अगस्त को पटना के गांधी मैदान में होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह का निमंत्रण देने में सरकारी अमले ने बड़ा ही दिलचस्प कारनामा किया है। जनक चमार को जनक सिंह बताकर उनके घर निमंत्रण कार्ड भेज दिया गया। ये कार्ड पटना के कमिश्नर कुमार रवि ने जनक चमार को भेजा है। इसके बाद जनक चमार ने सीधे नीतीश कुमार पर हमला बोला। जनक चमार ने कहा कि जब बिहार का मुखिया का ही मेमोरी लॉस हो गया हो तो फिर उनके अधिकारियों से क्या ही अपेक्षा की जाए। आपको बता दें कि जनक चमार बिहार विधान परिषद में राज्य के मुख्य विरोधी दल बीजेपी के मुख्य सचेतक हैं, जबकि उनको पटना के कमिश्नर कुमार रवि की तरफ से जो निमंत्रण पत्र भेजा गया उसमें उनका नाम जनक सिंह बताया गया और उनको बिहार विधान परिषद का विरोधी दल का मुख्य सचेतक बताया गया, विरोधी दल यानी कि भाजपा। इसके बाद जनक चमार ने सीधे तौर पर नीतीश कुमार पर हमला बोला। जनक चमार ने अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करते हुए लिखा, हे बिहार सरकार, मैं जनक चमार हूँ ना कि जनक सिंह, और मैं बिहार विधान परिषद का सदस्य हूँ ना कि बिहार विधानसभा का। अगर मान भी ले कि जनक सिंह का कार्ड भूलवश मेरे पास आ गया होगा तो उस पर बिहार विधानसभा लिखा होना चाहिए था ना कि बिहार विधान परिषद। जब बिहार के मुखिया ही मेमोरी लॉस की बीमारी से ग्रस्त हो तो अधिकारियों से क्या ही अपेक्षा की जाए। आपको बता दें कि इससे पहले आरजेडी के एमएलसी सुनील कुमार सिंह को विरोधी दल यानी कि बीजेपी का नेता बताकर निमंत्रण कार्ड भेज दिया गया था। ये कार्ड पटना के कमिश्नर कुमार रवि की तरफ से सुनील सिंह को भेजा गया था। इसके बाद सुनील सिंह ने सीधे नीतीश कुमार पर हमला बोला था। सुनील सिंह ने कहा था कि नीतीश कुमार अपने जिले नालंदा के अधिकारी से जानबूझकर ऐसा काम करवा रहे हैं और एक बार फिर से पटना के कमिश्नर की गलती उजागर हुई।